गाड़ी के बाहर से कुछ ये इस तरीके से दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रकाश पैराडाइज। सो गाइस, आज का वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड दैट इज मेनली बिकॉज आज जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने जा रहा हूँ, दैट हैज नेवर बीन रिव्यूड ऑन यूट्यूब। यस दोस्तों, दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर दैट दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू गेट रिव्यूड। सो गाइस, वी ऑल नो दैट देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कार्स दैट डज नॉट कम विद वेंटिलेटेड सीट्स ऑप्शन। हमारी MG एस्टा में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, महिंद्रा थार में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, और जिन कार्स में वेंटिलेटेड सीट्स आती भी है ना, उनमें फ्रंट रो सीट्स तो वेंटिलेटेड होती हैं, हाउएवर पीछे बैठने वाले के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सो गाइस, दिस इज अ पोर्टेबल कार सीट कूलिंग फैन, जो कि आप चाहिए तो फ्रंट में लगा लीजिए, जो कि आप चाहिए तो रियर में लगा लीजिए। गाइस, आई हैव नॉट यूज दिस प्रोडक्ट, सो अभी हम इस प्रोडक्ट को अनबॉक्स करेंगे, इसमें देखेंगे कि हमें क्या क्या मिलता है, और फिर हम गाड़ी में लगाएंगे, इसको चला के देखेंगे, एंड देन आई विल टेल यू इफ इट्स वर्थ बाइंग और नॉट। अगर आपने आज तक इस प्रोडक्ट को नहीं देखा है, देन आई डिजर्व अ लाइक ऑन दिस वीडियो। सो सबसे पहले आप वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा। सो ये है इसका फ्रंट, यहाँ पर हमारी कार सीट बनी हुई है, यहाँ पर ये फैन इंस्टॉल्ड है, और इस तरीके से एयर फ्लो करेगा। साइड में दिखा रहा है ब्राउन कलर वाला ऑप्शन, इस साइड दिखा रहा है ब्लैक कलर वाला ऑप्शन, एंड वी हैव अ रेड ऑप्शन टू, और पीछे की ओर यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन दे रखा है। हैव अ लुक। अब चलिए इसको खोलते हैं और अंदर देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है। ये है एक्सेसरी बॉक्स और ये है द फैन इटसेल्फ। सबसे पहले हम एक्सेसरी बॉक्स देख लेते हैं कि हमें क्या मिलता है इसमें। ये हमें केबल मिल रहा है, ये जो केबल है इसी से हम प्रोडक्ट को पावर देंगे, और यहाँ पे ऑन ऑफ बटन दे रखा है, और यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है इसके जो फैन की स्पीड है उसको तेज और कम करने की, और हमें मिलता है ये अटैचमेंट के लिए ये एक इलास्टिक बैंड, इसी से हम अटैच करेंगे अपनी कार सीट पर, और ये है वो प्रोडक्ट। हैव अ लुक। क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर इसका फैन का वेंटिलेशन सिस्टम दे रखा है, और इधर की ओर हवा फेंकने का ऑप्शन दे रखा है, इधर की ओर ये अटैच होगा, और इस साइड ये इस तरीके से दिख रहा है। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, ओवरऑल जो इसका प्लास्टिक क्वालिटी है ये बहुत ही अच्छी है। आई हैव सीन कार सीट फैंस ऑन Amazon, बट उनका जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो बहुत ही चीप था। ये आपकी कार के साथ मैच करेगा एंड यू विल डेफिनेटली लाइक इट। ये इस तरीके से अटैच हो जाएगा, हाँ, और ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा। नाइस इजी, और हम इससे छोटा बड़ा कर सकते हैं जब हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। सो चलिए गाड़ी में चलते हैं और इसको इंस्टॉल करके देखते हैं। मैं आ चुका हूं अपनी MG एस्टा के अंदर, और अब हम इस फैन को इंस्टॉल करेंगे। जब हम इस फैन को इंस्टॉल कर रहे होंगे तो एक बात का ध्यान देना होगा कि इसका जो एयर वेंट्स है ना वो नीचे की ओर डाउनवर्ड फेसिंग हो। तो जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से ये इंस्टॉल होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप इसको उल्टा इंस्टॉल कर देंगे तो जो एयर वेंट्स है ये ऊपर की ओर जाएगा और इसको इंस्टॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो सबसे पहले इसका जो USB-C केबल है उसको हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। जो USB-C केबल है वो इस साइड की ओर आएगा आपकी गाड़ी में, अगर आप ड्राइवर सीट पे इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। और क्योंकि ये इलास्टिक है तो हमें हेडरेस्ट को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको यहाँ पर ऐसे डाल के इस तरीके से यहाँ पर सेट कर लेंगे। बट व्हेन आई एम इंस्टॉलिंग दिस आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम कि ये देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर गिरा गिरा सा फील हो रहा है। सो इसका जो इलास्टिक बैंड है ये एडजस्टेबल भी है, बट उसके बाद भी ये प्रॉपरली सेट नहीं हो पा रहा है। सो व्हाट आई डिड वाज वेरी सिंपल, इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर किया और मैंने इसको यहाँ से रिमूव किया, यहाँ पे मैंने इसको एक बार राउंड गोल घुमा दिया और यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया, और फिर सेम चीज़ मैंने इधर की ओर भी कर दी, इसको मैंने ये लेके गोल घुमा दिया और इसको इंस्टॉल कर दिया। आफ्टर डूइंग द सेम मैं अपने हेडरेस्ट को नीचे की ओर प्रॉपरली एडजस्ट कर दिया, एंड गाइज नाउ यू सी इट हैज़ बीन प्रॉपरली इंस्टॉल्ड। अब यहाँ पे ये हिल भी नहीं रहा है एंड इट इज़ लुकिंग वे नाइसर। इसका जो USB केबल है इसको चाहे आप गाड़ी में आगे लगा लीजिए या फिर गाड़ी में पीछे लगा लीजिए, मैं प्रेफर करूँगा कि मैं गाड़ी में पीछे लगाऊँ। इसके USB पोर्ट को मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा हूँ इस तरीके से, और ये जो फैन की स्पीड को सेट करने वाला सिस्टम है इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा इस साइड यहाँ पर। सो गाइस, ये फैन यहाँ पर प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है, और ये इसका बटन है ऑन ऑफ बटन, हम पहले ऑन करेंगे। जैसे ही हमने ऑन किया तो ये एक नंबर पे चलना शुरू हो चुका है,
हल्की हल्की हवा आ रही है यहाँ पर। एक बार टैप किया दो नंबर और एक बार और टैप किया तो तीन नंबर। तीन नंबर पे जो फैन है ये काफी तेज चल रहा है एंड आई थिंक इवन यू कैन लिसन टू द फैन। दो और तीन नंबर पे जब ये काम कर रहा है देन दिस फैन इज वेरी इफेक्टिव। आई थिंक यू कैन लिसन टू द नॉइस। और अब मैं इसको ऑफ करता हूँ देन यू विल रियलाइज कि ये कितना तेज आवाज कर रहा है। ये देखिए ये बंद हो चुका है। और जब हम इसको एक नंबर पे चला रहे हैं तो हमें पता भी नहीं चल रहा है कि इट इज वर्किंग एंड हल्की हल्की हवा आ रही है इस पोर्शन में। सो आई थिंक इट इज़ क्वाइट नाइस। अब एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि जैसे जब हम कार का एसी चलाते हैं तो जो हवा होती है वो डायरेक्ट हमारे स्किन पे पड़ती है, बट जब हम मान लीजिए कि हम ऐसे बैठे हैं तो जो स्किन है ना वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ रही है। सो यू माइट फील कि हमें हवा नहीं लग रही है, बट जब आप इस पर हाथ रखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पे तो अच्छी खासी हवा आ रही है। सो दिस इज समथिंग आई वॉन्टेड टू लेट यू नो। ओवरऑल आई थिंक इट इज़ क्वाइट इफेक्टिव जिस तरीके से ये काम कर रहा है। नीचे की ओर अच्छी खासी हवा जा रही है, बट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू लेट यू नो। अब मान लीजिए कि ये फैन इंस्टॉल्ड है और हम अपनी गाड़ी में यहाँ पर बैठे हुए हैं। सो देर इज़ वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू लेट यू नो कि जो इसका फैन है ना वो यहाँ तक के लिए ही इफेक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ तो हमारी बॉडी होगी और यहाँ तक फैन नहीं आ पाएगा। ओवरऑल जो इसका फैन का इफेक्ट है वो यहाँ तक ही फील होगा, बट इट इज क्वाइट नाइस, इट्स अ गुड एडिशन इन दिस हॉट समर। गाड़ी के बाहर से कुछ ये इस तरीके से दिख रहा है और एक बड़ी ही कूल सी एक्सेसरी लग रही है कि भाई इसमें लगा क्या हुआ है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। हैव अ लुक। सो गाइज द सेकेंड कूल थिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट इज दैट कि हम इसको रियर सीट पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ पर हमें प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा। सो हाउ कूल इज़ दैट कि इसको आप जहाँ मन चाहे वहाँ पे इसको इंस्टॉल करके यू कैन गेट सम वेंटिलेशन फॉर योर बैक एज वेल। ये देखिए यहाँ पर इसको मैंने इंस्टॉल किया है एंड इट इज़ वर्किंग। इस फैन में मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखी अभी और वो ये है कि इसके अंदर जो फैन सिस्टम लगा हुआ है वो एक पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ है जिसकी वजह से जो एयर फ्लो है वो काफ़ी इक्वल आ रही है। और जब हम इसको इस तरीके से इंस्टॉल कर रहे हैं तो सारे साइड पर जो हवा आ रही है ना वो डायरेक्ट बराबर बराबर आ रही है, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं आ रही है, इट्स ऑल सेम। और अभी मैं आपको इसकी फ़ैन इफेक्टिवनेस दिखाऊंगा थ्रू दीज करी लीव्स। अब देखिए यहाँ पर ये जो करी लीव्स हैं इनको मैं यहाँ पर पास में ले जा रहा हूँ। हैव अ लुक कि यहाँ पर ये वन स्पीड में हल्का हल्का मूवमेंट हो रहा है पत्तियों का। अब मैं इसको टू स्पीड पे कर देता हूँ और अब मैं इसको थ्री स्पीड पे कर देता हूँ। ये देखिए इसकी जो फैन की स्पीड है थ्री पे ये काफ़ी इफेक्टिव है, यहाँ तक पत्तियों पे इफेक्ट आ रहा है। और अगर आपकी बैक स्वेटी है तो इस प्रोडक्ट की वजह से यू विल कूल डाउन फास्टर इन दिस हॉट समर। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड एडिशन। इसका जो इंस्टॉलेशन है ये काफ़ी अच्छे से हो जा रहा है जिसकी वजह से ये कहीं ओवर नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि आपने कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरी इंस्टॉल कर रखी है। एडिशनली दिस इज़ कॉस्टिंग 2500 rupees एंड आई थिंक द प्राइसिंग इज़ क्वाइट फेयर फॉर द प्रोडक्ट यू आर रिसीविंग। फ़ैन का जो सिस्टम है वो इस तरीके से बनाया गया है कि बाल, अगर मान लीजिए कि कोई लेडी गाड़ी चला रही है तो बाल इसके अंदर ना जाए। जिस तरीके से ये अटैच होता है उसकी वजह से हेयर जाने का जो स्कोप है वो एकदम ख़त्म हो जाता है। एंड आई थिंक ओवरऑल इट इज़ अ नाइस एडिशन फॉर योर कार। आई थिंक इट्स नाइस। मैं एक और ख़रीदूंगा फॉर माई अदर कार क्योंकि मैं बार बार इसको निकाल के दूसरी गाड़ी में नहीं लगा सकता हूँ। सो गाइस वीडियो कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवन डन ऑलरेडी। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर लाइफ एंड कीप स्माइलिंग।